الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مخفي ولا مبدع ولا مستغنى عنه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد मेरे अजीजों, किसी भी कौम का सबसे कीमती सरमाया उसकी नस्ल होती, उसकी औलाद होती है। जब किसी की नस्ल, किसी की औलाद वो निकम्मी ना अहल हो जाए तो असल वो फकीर है। वो मुल्क फकीर नहीं है जिसकी नस्ल समझदार हो, नेक हो, अकलमंद हो। वो मुल्क फकीर है, वो कौम फकीर है, वो माँ बाप फकीर हैं जिनकी औलाद निकम्मी हो, ना अहल हो, बेवकूफ हो। किसी भी मुल्क की तरक्की का और आजमतों का दारोमदार वो आप बच्चों पर है। आप किधर को जा रहे हैं? अगर आपका रुख सही होगा तो सारी नस्ल फलेगी फूलेगी और सारी दुनिया को चैन होगा। अगर आपका रुख गलत होगा तो फिर सारी नस्ल में हलाकत, बेचैनी, परेशानी आएगी। तो इंसान की तामीर, नस्ल की तामीर, ये इतना मुश्किल काम है कि अल्लाह ने इसके लिए 125,000 नबी भेजे। ये काम आम इंसानों के सुपुर्द नहीं किया। अल्लाह ताला ने इसके लिए पाक मासूम नबियों का इंतखाब किया और फिर उनको इंसानों की राहबरी का तरीका समझाया। फिर अल्लाह ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाकर दीन को मुकम्मल किया और फिर अब अल्लाह ने हमारे जिम्मे किया कि हर नस्ल, अगली आने वाली नस्ल को ऐसी अच्छी सिफात देकर दुनिया से जाएं कि वो लोगों के लिए राहत बने। आप तो बच्चे और हमारे भी पैदाइश से पहले ही ये मुल्क बना। चंद दिन पहले ही हमारे जनरल गुलाम मोहम्मद साहब और ब्रिगेडियर असलम नई साहब बैठे हुए थे तो ये तकसीम के वक्त की कहानी सुना रहे थे। तो थोड़ी देर के बाद मैं नहीं सुन सका, मुझे लगा जैसे मेरा दिल फट जाएगा। ऐसे ही इन्होंने कहानियां सुनाई। ये दुनिया में वाहिद मुल्क है जिसके बुनियाद में गारा और सीमेंट नहीं है बल्कि 6,00,000 इंसानों की हड्डियां हैं जिस पर इस मुल्क को बनाया गया। हम तो लोकल लोग हैं, महाजर नहीं हैं, लिहाजा हमने वो कुर्बानी न देखी न चखी। मेरे वाले साहब के एक दोस्त थे, वो महाजर थे जालंधर। वो कभी कभी हमारे डेरे में आया करते थे, बात करते थे। एक दिन मैं भी बैठा था और वो ये बात कर रहे थे कि जालंधर से मेरा, जब हम निकले हैं पार्टीशन पर, तो मेरा सारा खानदान कट गया, अकेली जान लेकर निकला। और थोड़ी छोटी सी उम्र, उम्र भी ज्यादा नहीं थी। तो दिन में मैं छुपता था कमाद के खेत, अगस्त में कमाद अच्छा खासा बड़ा हो जाता, और रात को फिर मैं सफर करता था और मुझे कुछ पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरी क्या मंजिल है। मुझे सिर्फ एक फिक्र था कि मैं सिखों की तलवार से बच जाऊं। लिहाजा चलते 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 दरियाए सतलुज पे पहुंच गया। दरियाए सतलुज उस वक्त में जीता जागता दरिया था, अब तो वो सो गया बेचारा कब का। हम तो उसकी रेत ही देख पाए, उसकी तोगयानियां तो कभी देखी कोई ना। ये बहुत बड़ा दरिया था। तो कहने लगे मैं सतलुज पर पहुंचा तो आगे पानी की मौत थी, पीछे तलवार की मौत थी। मैंने कहा सिखों के हाथों मरने से बेहतर है मैं पानी की नजर हो जाऊं। तैरना आता नहीं था, यानी कि एक लकड़ी उठाई, एक लकड़ी मिल गई, लकड़ी उठाई और पानी में डाली। मैं गया अल्लाह जिंदगी है तो पार लगा दे। इधर पाकिस्तान शुरू हो रहा था। तो कहने लगे जब मैं थोड़ा सा अंदर गया तो मैं क्या देखता हूँ, सारा दरिया लाशों से भरा हुआ बह रहा था। लाश के साथ लाश ऐसी मिली हुई थी, मासूम बच्चे, हसीन नौजवान, खूबसूरत बेटियां, बूढ़ी माएं, बूढ़े बाप, ऐसे जा रहे थे। अगरचे वो मंजिल को पहुंच चुके थे कि उन्होंने अल्लाह के नाम पे कुर्बानी दी, लेकिन हमारी नजर में वो ऐसी मंजिल के राही थे जिसका आगे पता ही कोई नहीं है। सतलुज की लहरें उनका कफन बन रही थी,
और सतलुज की तह उनकी कब्र बन रही थी। यही कुछ रावी में हो रहा था, यही कुछ चनाब में हो रहा था। ये तीन दरिया हिंदुस्तान से आते थे, इन तीनों में ये बह रही थी। अपनी तारीख पढ़ते रहना चाहिए, उससे पता चलता है हमारी इब्तिदा क्या है और हमने जाना कहाँ है। बदकिस्मती ऐसी हुई मेरे अजीजों कि इस मुल्क को ना इतनी अल्लाह ने दौलत से नवाजा है कि आप और हम अंदाजा ही नहीं कर सकते। मैं मक्का में था, मुझे एक जियोलॉजिस्ट मिला। वो कहने लगा, मैं अपने इल्म की बुनियाद पर कहता हूँ कि पाकिस्तान जैसी जमीन पूरी दुनिया में किसी के पास कोई नहीं। इसको सिर्फ एक कैंसर लगा, वो बददियानती का, खयानत का, चोर बाजारी का इसको कैंसर लगा। अगर ये इस मुल्क में ना होता तो ये दुनिया में जन्नत का टुकड़ा होता। और इस मुल्क को मेरे अजीजों जो लूटा है ना, वो अनपढ़ों ने नहीं लूटा, जमींदारों ने, ताजरों ने नहीं लूटा, बड़े हाई क्लास पढ़े लिखे लोगों ने इसको लूटा है। क्योंकि उन्होंने डिग्रियां तो हासिल की पर इंसानियत ना सीख पाए। तो इतनी बड़ी कुर्बानियां हुई और हम तो मेरे अजीजों कांटे ही चुनने वाले रह गए। बाहर देखी नहीं इस मुल्क ने, चंद मुखलिस लोग ना होते तो अब तक ये मुल्क बिक चुका होता या हिंदुस्तान के कब्जे में जा चुका होता। कहीं कहीं चराग अब भी जल रहे हैं जिनकी वजह से थोड़ी थोड़ी रोशनी है। और ये काफिला धीमे धीमे धीरे धीरे वो रवा दवा है। अगर वो भी ना होते तो इस मुल्क को तबाह होने में कोई कसर बाकी ना छोड़ी थी बददियानत टोले ने और हाय हाय जमीर फरोश टोले। और बदकिस्मती ये है कि वो सारा इन्हीं स्कूलों कॉलेजों से निकला हुआ है, वो देहातों से नहीं, वो बाजारों में नहीं। एक ताजर कितना को लूट ले, जिम्मेदारों को तो वैसे ही लूटना नहीं आता, उनके पास लूटने की चीज ही कोई नहीं। चलो किसी ने कोई तिंगा मुश्ती से कोई जमीन दबा ली, दुकान दबा ली, कोई फेरा फेरी कर ली, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सारी तो आप हमारा कीमती सरमाया हो, आपका बनना सारे मुल्क का बनना है, आपका बिगड़ जाना सारे मुल्क का बिगड़ जाना है। तुम एक फर्द नहीं हो, एक घर के नहीं हो, पूरी कौम के हो, पूरी नस्ल के हो। एक इदारा जब कोई आप ही में से बच्चे आगे चल के इदारे चलाने वाले बनते हो, बड़े बड़े ओहदों पे जाते हो, तो अगर आप अल्लाह से डरने वाले होगे तो लाखों इंसान होंगे जो आपको हाथ उठा के दुआएं देंगे। अगर सिर्फ आप अपने पेट पे हाथ मारने वाले होंगे तो लाखों इंसानों के मुंह से नवाले छिन जाएंगे और लाखों इंसानों के घरों के चराग बुझ जाएंगे। आपके घर में घी के चराग जलेंगे लेकिन कब तक। तो आप हमारा कीमती सरमाया हो। मैं आपसे तकरीर करने नहीं, आपसे चंद बातें करने, हमारे बच्चे हो। ये दौर मैंने भी हॉस्टल लाइफ गुजारी। 11 साल की उम्र थी जब मेरे वालिद साहब ने मुझे लाहौर में सेंट्रल मॉडल स्कूल होता था, वो बड़ा अच्छा स्कूल था, वहाँ दाखिल किया था। तो पहले तो मैं शौक शौक में चला गया और हम तो टाट के स्कूल से एकदम सेंट्रल मॉडल स्कूल में पहुंच गए। वो समझ ही ना आए कहाँ आ गए, कहाँ टाट में बैठने वाले, कहाँ एकदम ऐसा सिस्टम जैसे यहाँ का है। तो वो हम बड़े परेशान, यार लाइए मैं कहाँ आ गया। और उधर से उदासी चढ़े, वो 2-3 दिन के बाद उदासी शुरू हो गई। अब रिजाई में मुंह दे के रो ही जाए यार। अब मैं पहले दिन जो क्लासरूम में दाखिल हुआ वो सारे शहरी लड़के, हम बिल्कुल निपट देहाती। मैं कोई अल्लाह कोई और देहाती नजर आए तो मैं उसके पास बैठूं, ये तो शहरियों से मैं वैसे ही डर लगता था। तो मैंने सारे लड़कों को ऐसे देखा, 6D मेरा सेक्शन था और मोहम्मद अशरफ साहब वो मेरे क्लास इंचार्ज थे। तो मैं दाखिल होना सहमा, पहली दफा पतलून चढ़ाई, वो भी कहीं इधर से ढीली। मैंने देखा, सबको देखा, तो सबसे आखिर में ना एक लड़का ऐसे करके बैठा था, ऐसे और ऐसे से देख रहा था सब, डरा हुआ ना। मैंने कहा ये देहाती है, मेरी तरह कोई फंसा हुआ है। तो मैं सीधा उसके पास जाकर बैठ, उस दिन उससे दोस्ती लगी। 1964 और अब 41 साल हो गए, आज तक उससे हमारी यारी निभ रही। वो स्वर्गोदय के मेला फैमिली में से था। तो जब मैं करीब पहुंचा तो उसको शहरी लड़के छेड़ रहे थे। उसका जरा नाक था काफी लंबा, तो उसका चूहा कहता थोड़ी मां हूं, चूहा कहता थोड़ी बहन हूं। तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि ये जो गालियां दे रहा है ना, ये मेरा ही बिरादरी है। तो मैं उसके पास जाके बैठ गया। तो अब उर्दू तो हमें आती कोई नहीं थी, मैं कि थू दाएं सर बोध देता।
मैं कहले भी आज तेरी मेरी दोस्ती, मैं भी फंस या तू भी फंसे, आज तो बात आपा कठे। तो बस एक ही डेस्क पे हम जो चले चले चले, फिर एक आध हमारा सेक्शन आगे जाके बदला, लेकिन आज तक हमारी दोस्ती पक्की। तो आपको देखकर मुझे अपना वो बचपन और वो हॉस्टल, वो स्कूल, वो सारा कुछ ऐसे जैसे माजी के पट सारे खुल गए हों और गर्दिश अय्याम ने पीछे मुझे धक्का देकर अपने हॉस्टल में पहुंचा दिया हो। आप सबको देखकर वो मुझे अपना माजी याद आ रहा है। तो मैं ये आपसे कहने आया था कि इस जिंदगी गुजारने के कुछ उसूल हैं। एक नजरिया यूनान का था इस जिंदगी के बारे में कि ना इसकी कोई इब्तिदा है ना इसकी कोई इंतहा है, जो जैसे गुजारे ठीक। ये नजरिया 18वीं सदी में आके दम तोड़ गया जब साइंस ने इस बात को प्रूव किया कि नहीं, इसकी कोई इब्तिदा भी है और कहीं इसकी इंतहा भी हो जाएगी। ये न्यूटन जब 1642 में पैदा हुआ और 1727 में वो मरा है, वो साइंस का नबी कहलाता है। साइंस का नबी, उसको अल्लाह ने दिया। तो देखो बच्चों, ये इल्म जो है ना, ये किसी की विरासत नहीं, ना मगरिब की ना मशरिक की। जो मेहनत करेगा अल्लाह उसको दे देगा। मैंने उसके बारे में पढ़ा, वो घंटों ऐसे लेटा रहता था, कई कई घंटे ऐसे लेटा रहता था, कई कई घंटे, 5 मिनट में ऐसे लेट सकते, करोड़ बदलते हैं। फिर एकदम जो उसके अंदर ख्याल जमा होते, ये कुर्सी पड़ी होती थी सामने, टेबल है, तेजी से उठता, कुर्सी पे बैठना भी भूल जाता और कलम उठा के खड़े होकर कई कई घंटे लिखता जाता, लिखता जाता, लिखता जाता। तो उसकी मेहनत पर अल्लाह ने उसको दुनिया का इल्म थोड़ा सा खिड़कियां खोल दी। तो ये बात सामने आई कि भाई ये शुरू से नहीं है, कहीं से शुरू हुई। कहां से शुरू हुई है, किसने शुरू की है, ये यहाँ आके अटक गए, क्योंकि उनके सामने ना कुरान का इल्म, ना आखरत का इल्म, ना ना ना, ना शरीयत का इल्म। तो कुछ उनकी जो टूटी फूटी शरीयत बाकी है उसमें इतना वहां, हाँ भाई इसको खुदा ने बनाया, इसको अल्लाह ने बनाया। 1711 में एक साइंसदान पैदा हुआ जर्मनी में, एडवर्ड ह्यूम, वो 1778 में मरा है। तो न्यूटन ने ये बताया कि ये कायनात एक साइंटिफिक तरीके से चल रही है, एक ऑटोमेटिक सिस्टम है जिसके तहत चल रही है। वो खुदा का मुनकर नहीं था, ह्यूम ने आकर खुदाई का इनकार किया। उन्होंने कहा जब 2 और 2 4 है तो किसी खुदा को मानने की क्या जरूरत है कि उसने 2 और 2 को 4 किया, हम देख रहे हैं सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, कोई खुदा नहीं है। सबसे पहले दहरियत का तसव्वुर इस शख्स ने दिया कि अल्लाह कोई नहीं है, ये सब खुद ब खुद हो रहा है, खुद ब खुद हो रहा है। फिर 1809 में वो डार्विन पैदा हुआ। उसकी थ्योरी मैंने जाके सारी देखी, उसका म्यूजियम है पूरा लंदन में, उसका पूरा म्यूजियम है सारा मैंने जाके देखा। उसने एक और ही जोशा छोड़ दिया, उनका एक सेल पानी के कहीं किनारे कहीं से आ गया, कैसे आ गया, आपको पढ़ते 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 ये सब कुछ बन गया, ये इंसान बन गया, ये पहाड़ बन गया, पत्थर बन गया। इसमें भी कोई नेकी बदी का कोई तसव्वुर नहीं है, ऑटोमेटिक पैदा हुआ, लिहाजा चलो भैया ठीक, खुद ब खुद हो गया, जो मर्जी करो, जो मर्जी करो। एक तसव्वुर इस्लाम ने दिया, और भी बहुत से नजरियात है, मैंने सिर्फ मिसाल के तौर पर आपको बताया। एक तसव्वुर इस्लाम ने दिया और बड़े खूबसूरत अंदाज में अल्लाह ने पहले हमसे सवाल किया, बोलो भाई हम खुलकु मिन गैर शय, तुम खुद ब खुद पैदा हो गए हो, अपने आप बन गए हो, ये डार्विन थ्योरी, एक सेल अपने आप बन गया, और ये अनपढ़ साइंसदानों की थ्योरी के ये एकदम वो सेल मुख्तलिफ शक्लें बदलता हो, अपने आप ही ऐसा सब कुछ होता चला गया। तो अल्लाह इसको सवालिया अंदाज में 1400 साल पहले कह रहा है, 1400 बरस के बाद ऐसे पागल लोग आएंगे तो अल्लाह कहता अम खुलिकु मिन गैरि शय, बोलो भाई तुम खुद ब खुद बने हो। तो इसका जवाब तो आज की साइंस ने दे दिया है कि नहीं, खुद ब खुद तो नहीं बने। फिर अल्लाह दूसरा सवाल करता है, अम हुमुल खालिकु, क्या तुम अपने खालिक खुद हो, अब तूने अपने आप को खुद बनाया है। इसका जवाब भी नफी में है, हमने अपने आप को खुद कहां बनाया, हमें तो 4 साल की उम्र में पता चला कि हमारा कोई वजूद है। अल्लाह तीसरा सवाल करता है, अम खलकुस समावाति वल अर्द, ये जमीन आसमान तुमने बनाया है, देखते नहीं कैसे तरतीब से है। एक थ्योरी है ना कि आप ही बन गया, खुद ब खुद बन गया। इस नजरियो को भी साइंस ने आकर 1948 में गलत साबित किया। 1929 में
कैलिफोर्निया में एक साइंसदान था, वो देख रहा था तो उसने पहली दफा देखा कि एक बड़े मुनज्जम रिदम के साथ ये सारी कायनात ऐसे फैल रही है। और उनमें बड़ा एक रब्त है, वो ताकतवर रब्त है, वो फासलों का तनासब। फिर इस पर उन्होंने मजीद तहकीक करते 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 1948 में वो इस नतीजे पर पहुंचे कि ये कायनात जीरो से बनी है, एक धमाके से बनी है, धमाके से। मैं साहिवाल में था, एक बच्चा आया मेरे पास FSC, उसके कान पर का हेडफोन सा था, कहा जी ये इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, इस वक्त 700 लड़के आपकी बात सुनेंगे जो आप मुझसे करेंगे। एक यहूदी हमसे तलबीब से सवाल कर रहा है कि बिग बैंग के बारे में तुम्हारे कुरान में कोई बात है कि ये कायनात एक धमाके से वजूद में आई? क्या तुम्हारे दीन में कोई इसके बारे में दलील रोशनी है? तो अगर है तो मुझे बताओ, तो फिर मैं मुसलमान हो जाऊंगा। मैंने कहा पहली बात ये बच्चे कि हमारा कुरान साइंस की तस्दीक करने नहीं आया और साइंस को झुटलाने नहीं आया, हमारा कुरान हिदायत के लिए आया है, जिंदगी गुजारने का तरीका बताता है, कहीं कहीं वो दुनिया की चीजों को टच करता है, जहां वो टच करता है वो ऐसा सही टच करता है कि उसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो एक आयत है जो इसका तर्जमा नहीं, इशारा हम कैस कर सकते हैं कि इससे इशारा होता है कि अल्लाह ताला कहते हैं अवलम यरल्लजीन कफरू अन समावाति वल अर्द कानता रत्कन फफतकनाहुमा वजअलना मिनल माई कुल्ल शयइन हय्यिन अफला युमिनून। ये जो मेरे मुनकर हैं, इनको पता नहीं है कि जमीन आसमान एक मिला हुआ मादा था, एक मिला हुआ रत्क होता है चीज, इस तरह आपस में मिल जाए कि फिर उसे जुदा ना किया जा सके। जैसे गोश्त अलग है, सब्जी अलग है, नमक अलग है, मिर्च अलग है, जब हम उसको सालन बनाते हैं तो हर चीज मिक्स होकर अब नमक मिर्च हल्दी इसमें से नहीं निकल सकती, उसको अरबी में कहते हैं रत्क। कानता रत्कन, ये सब कुछ मिला हुआ था, और फतक उसको अलग अलग कर दें, फतकना हुमा, फिर हमने इसको फाड़ा और उसको धमाके के साथ हमने इसको फैलाना शुरू किया। असर के बाद वो आया, कहने लगा जी वो यहूदी मुसलमान हो गया है, उस वक्त सुन के चला गया, फिर असर के बाद उसने आकर मुझे बताया कि जो वो मुसलमान हो गया है। तो हमारे पास ये नजरिया नहीं है कि आप ही बन गए, हमारे पास ये नजरिया कि उसको अल्लाह ने बनाया है और एक निजाम के साथ। अच्छा, फिर एक पॉल डेविस साइंसदान था ऑस्ट्रेलिया का, उसने फिर एक और बात साबित की कि कोई बनाने वाला है, खुद नहीं बना, उसने डार्विन को गलत साबित किया। और दूसरे जो देहरिये, बहुत से देहरिये साइंसदान थे अब भी हैं, उन सब की बात को उसने गलत साबित किया कि ये धमाका किसी ने किया है, खुद नहीं हुआ, कि हर धमाके के बाद तखरीब होती है, धमाके से तो तखरीब होती है ना, ना कि तामीर। अगर मैं जाके अभी अपने मस्जिद में कहूं कि हम वो बैठे थे लॉरेंस कॉलेज की मस्जिद में, वहां हुआ धमाका, हर लड़का उड़ता हुआ अपने बेड पे जाके बैठ गया और प्रिंसिपल जाकर उड़ते हुए अपने ऑफिस की सीट में फिट हो गए, कोई मानेगा इसको? कमाल साहब पागल हो गए हैं, किसी बात कभी धमाका भी ऐसे ऐसे मुनज्जम तरीके से हुआ? धमाके से तो तोड़फोड़ होती है ना, कि उससे कोई शक्ल वजूद में आती है या कोई तामीर वजूद में आती है। ये कायनात में वाहिद धमाका है जिसने इतने खूबसूरत अंदाज में कायनात को वजूद दिया कि कोई ये मानने पे तैयार नहीं है कि ये धमाका इतना अकलमंद। धमाका तो पागलपन होता है ना, ठा हो और ये उधर गया वो उधर गया। तो उसने ना फिर एक सेकंड को ना हजार हिस्सों में तो तकसीम किया जा सकता है, हजार से आगे फिर वो तकसीम नहीं होता। तो उसने ये बात प्रूव की कि अगर हम फर्जी तौर पर एक सेकंड के 10 लाख खरब हिस्से कर दें, 10 लाख खरब हिस्से, जब धमाका हुआ था तो दो ताकतें पैदा हुई थी, एक ग्रेविटी और एक रफ्तार। एक रफ्तार पैदा होकर धमाके से चीज फैलती है, एकदम उभरती है। तो जब वो धमाका हुआ था तो उसमें दो ताकतें पैदा हुई, एक कशिश ग्रेविटी, एक रफ्तार स्पीड। अगर उस वक्त स्पीड ज्यादा हो जाती तो ये कायनात बिखर जाती, और अगर उस वक्त कशिश और ग्रेविटी ज्यादा हो जाती तो ये कायनात फिर सिमट के फिर जीरो हो जाती। इसमें अगर एक सेकंड के 10 लाख खरब हिस्से किए जाएं और 1/10 लाख खरब सेकंड के बराबर अगर रफ्तार बढ़ जाती तो कायनात बिखर जाती, अगर ग्रेविटी बढ़ जाती तो कायनात जीरो हो जाती। तो ये कोई कैसे तस्लीम करे कि ये ऑटोमेटिक हो गया, ये खुद ब खुद हो गया? कोई तो है, और वो कौन है? यहां आके वो अटक जाते हैं। तो हमारे ये इस बच्चे से भी पूछो तो कहेगा अल्लाह ने जमीन बनाई, अल्लाह ने आसमान बनाया। तो इसको अल्लाह ने यूं जवाब दिया, इन रब्बकुमुल्लाह अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ध फी सित्तति अय्याम
तेरा अल्लाह है जिसने जमीन आसमान छह दिन में बनाए, ثم استوى على العرش फिर अर्श पे तख्त बिछाया, يغشي الليل النهار दिन और रात का निजाम चलाया, يطلبه حفيفا दिन आगे चलता है रात पीछे चलती है, और फिर الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره फिर उसने सूरज चांद सितारों को अपने ताबे कर दिया। तो हमारे लिए एक जवाब आसान हो गया कि सबका बनाने वाला अल्लाह है। पहाड़ कैसे बन गया? कबल जिबाल अरसाहा, अल्लाह ने गाड़ दिए। पानी कैसे बन गया? अल्लाह ताला ने बनाया। फसालत औदियतुम बिकदरहा, जमीन कैसे बन गई? वल अर्द फरशनाहा फनिअमल माहिदून, अल्लाह ने बना दी। मीठा पानी कहाँ से आया? वो भी अल्लाह ने बनाया। हाजा अज़बुन फुरातुन साइगुन शराबुहु, कड़वा किसने बनाया? का वो भी अल्लाह ने बनाया। वहादा मिल्हुन उजाज, ये कड़वा बदबूदार। अल्लाह ने कड़वे पानी को ना बतौर नेमत के जिक्र किया कि समंदरों का पानी हमने कड़वा बनाया, दरियाओं का पानी हमने मीठा बनाया। ये हमारे लिए क्या मजा है, ये हमारे लिए क्या नेमत है? अगर समंदर के पानी मीठे होते तो ये बदबूदार हो जाते, और एक पानी का तालाब गंदा हो जाए ना तो सारा गांव मुसीबत में आ जाता है। सात समंदर का पानी गंदा हो जाता और बदबूदार हो जाता तो हमें तो मरी में बैठना ही मुश्किल हो जाता, यहाँ लोग मर रहे होते। अल्लाह ने उसमें तेजाब पैदा कर जो उसकी गंदगी को जलाता रहता है, जलाता रहता है, जलाता रहता है, और उसमें अल्लाह तूफान उठाता है, मौजें उठाता है, लहरें उठाता है। कोई थोड़ी बहुत चीज बने भी सही तो पानी की आपस की तूफानी टकराव से अल्लाह उसको भस्म कर देता है। अब ये नमक आता कहाँ से है? इसमें नमक हर वक्त कहाँ से आता रहता है? अगर तो अल्लाह हमारे जिम्मे लगाता, हाँ भाई पानी को कड़वा रखो वरना ये तुम्हें तबाह कर देगा, इसकी बदबू तुम्हें बर्बाद कर देगी, तो फिर इंशाल्लाह लॉरेंस कॉलेज वाले सारे खेवड़ा की कान के आगे खड़े होते, ट्रक भर रहे होते जी, सबकी बारियां लगी होती, जिम्मेदार ताजर। अल्लाह ने हमें इतना नमक दिया, पूरी दुनिया में इतना नमक किसी के पास कोई। तो अल्लाह ने क्या किया, जमीन को थोड़ा सा जनूब की तरफ झुका दिया और उधर समंदर कर दिए, और पहाड़ों को शुमाल की तरफ कर दिया, ऊपर बर्फ जमा दी। फिर जमीन के झुकाव से फायदा उठाते हुए अल्लाह पाक ने पानी को जनूब की तरफ बहाना शुरू किया, पहाड़ों पर बर्फ पिघली, वो नदी नालों में बदली, चश्मे शामिल हुए, झरने शामिल हुए, आबशारें शामिल हुई, वो पानी एक ताकत के साथ पत्थरों से टकराता हुआ और बल खाता हुआ, एक हुसन भी अल्लाह ने बना दिया, खूबसूरती भी बना दी। लोग नारान की झील देखने जा रहे हैं, हालांकि इतना सफर, मुसीबत, खाने, पत्थर, पहाड़, टकरें, फिर भी जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। वहां से ये पानी जब मैदानों में आता है तो जमीन में नमक है, तो ये पानी क्या करता है, जमीन की रगों से नमक को खींचता है, खींचता है, खींचता है, और पूरे ट्रॉले बनकर टनों टन दुनिया के सारे दरिया नमक समंदर में फेंक रहे हैं। रोजाना करोड़ों अरबों टन अल्लाह ही जाने पानी समंदर में नमक को फेंकता रहता है, फेंकता रहता है। समंदर कड़वे रहते हैं और हम मजे में रहते हैं, अगर ये मीठे हो जाते हम बर्बाद हो जाते। सारे शहर का पानी कड़वा हो, जहां से नहर गुजर रही है वहां नलका खोदो पानी मीठा हो। फैसलाबाद में मेरी रिहायश है, मेरा इलाका खनेवाल है, रिहायश मेरी फैसलाबाद, तो वहां सारे शहर का पानी गंदा है, उसमें से एक नहर गुजर रही है, उस नहर के दोनों तरफ जितने नलके हैं सबका पानी मीठा, क्योंकि पानी बहता रहता है और उसके अंदर के नमक को खींच के आगे चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तो ये हमें अल्लाह ताला ने जवाब दिया, हम खुलकु मिन गैर शय, क्यों भाई आप ही बन गए खुद ब खुद, अगर खुद ब खुद बने तो जाओ जो करना है मर्जी करो। नहीं अल्लाह खुद ब खुद तो नहीं बने, हेच चीज खुद ब खुद चीजे नशुद, हेच आहिन खंजर तेगे नशुद, हेच हलवा ई नशुद उस्ताद कार ता गुलाम शकर रेजे नशुद, मौलवी हरगिज नशुद मौला ए रूम ता गुलाम शम्स तबरेज़ नशुद, कोई चीज खुद ब खुद तो है नहीं। तो फिर अल्लाह ताला हमसे कहता पता तो करो तुम्हें किसने बनाया है, ये बहुत बड़ा जिंदगी का सवाल है, तुम्हें किसने बनाया, तुम्हें कौन मौत देता है, तुम पैदा होते हो, तुम कहाँ जा रहे हो? ये इल्म मेरे बच्चों कॉलेजों स्कूलों में नहीं पढ़ाया जा रहा, ये इल्म अल्लाह ने बतौर मुसलमान के हम पर फर्ज करार दिया, और फिर अल्लाह ताला ने कुरान के जरिए से हदीस पाक के जरिए से उसे महफूज कर दिया। तो जिंदगी का सफर शुरू करने से पहले ये तय करो कि तुमने जिंदगी गुजारने कैसी, तुम अच्छे डॉक्टर बनो, अच्छे इंजीनियर बनो, अच्छे साइंसदान बनो, ये हमारी जरूरत है, लेकिन तुम अच्छे इंसान बनो, अच्छे मुसलमान बनो, ये तुम्हारी जिंदगी का मकसद है, तुम्हारे इस अच्छा बनने पर हमारी जिंदगी का दारोमदार। एक डॉक्टर आए हैं मेयो हॉस्पिटल के, वो एमएस हैं, पहले भी एमएस आए, सारे अस्पताल में दवाइयां फ्री तकसीम होने लगी, हर मरीज का इलाज फ्री हो रहा है, सारी दुनिया में ऐसा नहीं हो रहा, सारी दुनिया में ऐसा नहीं हो रहा। और मेयो हॉस्पिटल के
18 ऑपरेशन थिएटर हैं, सब में दवा मुफ्त जारी। एक सस्ती से सस्ती दवा से लेकर एक एक लाख की दवा मुफ्त एक मरीज पे लग रही है कि एक डॉक्टर सही इंसान आ गया। और उसने जितना पैसा, मैंने उससे पूछा, मेरा दोस्त है, मैंने कहा इतने पैसे कहां से खर्च कर रहे हो, जो हुकूमत फंड देती उसी से खर्च कर लो। और कहने लगे, मजे की बात बताऊं, पहले एक रुपए की दवाई मरीज को नहीं मिलती थी और खर्चा ज्यादा था, और अब तमाम हॉस्पिटल को दवा फ्री जा रही है और हर साल के आखिर में 5-6 करोड़ हमें बच रहा है। हर शय फ्री करके 6-7 करोड़ बच रहा है। और उस वक्त हर शय पैसे पे थी और पैसे कटते थे कि एक इंसान, एक सही मुसलमान अल्लाह से डरने वाला आया। अब मैंने उसे सारा हॉस्पिटल का राउंड किया, बाहर बैठे गरीब लोग झोलियां उठा उठा के उसको दुआएं कर रहे थे। और पहले क्या होता था, तो डॉक्टर कहते ये दवा लाओ, वो भाग के जाते, फिर कहते ये दवा लाओ, अंदर मरीज स्ट्रेचर पर पड़ा हुआ है, उसका स्पिरिट छिड़ा हुआ है, वो भाग के जाते, फिर वो दवा लाते, जब पैसे खत्म हो जाते तो फिर औरत अपने कान की बालियां उतार के देती, हाथ की चूड़ियां उतार के देती और दवा लेकर आती, और फिर भी दवा पूरी ना होती और मरीज स्ट्रेचर पर ही मर जाते थे। और अब 5,000 का टीका दिल के अटैक का लगा होता है, इमरजेंसी में कोई हार्ट अटैक का पेशेंट आ जाए, मालदार आ जाए, गरीब आए, उसको वो टीका मुफ्त लगाया जाता है। उन्हीं पैसों में कि एक अल्लाह से डरने वाला डॉक्टर आ गया। तो हम ये चाहते हैं कि आप अपने अपने जो जो आपकी लाइन, आप अल्लाह ताला आपके नसीब में करे, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंसदान और अच्छा अफसर जो भी आप बने, लेकिन पहले आप अच्छे मुसलमान बने ताकि आप किसी का दर्द महसूस कर सके। एक बहुत बड़ा डॉक्टर था, पहला न्यूरो सर्जन पाकिस्तान का, पहला न्यूरो सर्जन कराची का था। उसके पास एक शख्स आया, कहा जी एक मरीज एक्सीडेंटल मैंने उठा के उसको इमरजेंसी में लाया, आप बराए मेहरबानी उसको देख लें। तो उस डॉक्टर ने कहा पहले मेरी फीस रखो फिर मैं देखने जाऊँ। उसने कहा मैं तो राहगीर हूँ, मुसाफिर हूँ, मेरे जेब में पैसे नहीं है, तो आप तसल्ली रखें मैं आपको पैसे दे दूंगा, नौजवान है बिल्कुल, आप बराए मेहरबानी देख लें। उसके सर में चोट आई, कहीं पहले मेरी फीस रखो मैं फिर जाऊंगा। ये तकरार हो रहा है, वो नहीं मान रहा, तो आखिर उसने कहा अच्छा ये मेरी चाबी गाड़ी की आपकी होगी, मैं आपकी फीस आपको अदा करके अपनी गाड़ी की चाबी ले जाऊंगा, गाड़ी आपके घर छोड़ जाऊंगा। ठीक है, गाड़ी में बैठा के जब पहुंचे तो आगे डॉक्टर साहब का अपना बेटा और मर चुका था, और एक ही बेटा और वो मर चुका था। डॉक्टर साहब पागल हो गए, जिसके लिए कमाया था वो ही हाथों में चला गया। तो वो डॉक्टर ज्यादा थे, इंसान कम थे, तो अपने बेटे को मार दिया। एक इंसान आया, मुसलमान आया, उसने सारे हॉस्पिटल में दवाएं फ्री कर दी और उल्टा पैसा बचा के दिया गवर्नमेंट को। इस वक्त मेरे अजीजों जो बाहर हो रहा है ना, सिवाय इसके कि पैसा इकट्ठा करो इसके सिवा और कुछ नहीं हो रहा। तो तुम अल्लाह से डरने वाले बनो, अल्लाह के खौफ से अपने शोबों में चलो, तो अल्लाह तुम्हें इज्जत देगा, तुम्हारे मुकद्दर का रिस्क कहीं नहीं जाता। तो अल्लाह ताला हमसे पूछता है, खुद ब खुद पैदा हुए नहीं, अपने खालिक खुद हो नहीं, जमीन आसमान तुमने बनाया नहीं, तो फिर पता तो करो है कौन। तो अल्लाह ने जवाब दिया वो अल्लाह है। अब दूसरा सवाल पैदा होता है, मुझे क्यों पैदा किया, मैं क्यों आया। तो इसका भी अल्लाह ने जवाब दिया, वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, तुम इसलिए आए हो कि मेरे बंदे बन जाओ। तीसरा सवाल है कि अल्लाह ये मौत क्यों आ जाती है, मौत क्या चीज है। इसके 200 जवाब लिखे पड़े हैं साइंस की किताबों में, 200 जवाब। मौत तवक्कल अनफुसा हीन मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा, अल्लाह है जो जिस्म में से रूह को निकाल लेता है और इंसान मर जाता है। ऐसा ताकतवर जवाब कोई इसको चैलेंज नहीं कर सकता। मौत क्यों आती है, अल्लाह रूह निकालता है, मौत के बाद क्या होगा इसका जवाब भी दुनिया में किसी के पास कोई नहीं। सारी दुनिया के अकल वाले कहते हैं हैयात लिमा तुअदून, कुरान इसको खुद बता रहा है हैयात लिमा तुअदून, मौत के बाद कुछ नहीं है, पर यही मौज मेला कर लो, नाच लो, गा लो, यही है जो कुछ है, आगे कुछ नहीं। इन हिया इल्ला हयातुन दुनिया, यही दुनिया की जिंदगी है। ममा नहनु बिमबऊसीन, मौत के बाद कोई जिंदगी। लेकिन हमारे अल्लाह ने जवाब दिया कि नहीं, फइन्नमा हिया जजरतुन वाहिदा फइदा हुम बिस्साहिरा, एक आवाज से तुम्हें मारूंगा और उसी आवाज से तुम्हें उठाऊंगा
और तुम मेरे सामने खड़े होगे, और फिर फरीकुन फिल जन्नत व फरीकुन फिस सईर, एक को जन्नत का फैसला करूंगा, एक के लिए आग का फैसला करूंगा।